हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा वर्ब बेसिक का पार्ट 3। और इस पार्ट को देखने से पहले, इसके पहले के जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनको आप जरूर देखें और डिटेल में देखें। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ग्रामर के क्लियर होंगे। देखिए, इस सीरीज़ में मैं ग्रामर की जो मेन बुक आती है प्रिंट टू पैरामाउंट, उसका पूरा सॉल्यूशन इसमें मैं करवा रहा हूँ। और डेफिनेटली कुछ एडिशनल फीचर्स भी इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका जो अप्लाइड ग्रामर का सेक्शन है, जो कि सभी एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो आपका अच्छे तरीके से इसमें कवर होगा। और ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, यदि स्पॉटिंग एरर का है या फिर वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है, उसको आप बहुत ही सक्सेसफुली और एक्यूरेसी के साथ आप कर पाएंगे, यदि इस पूरी सीरीज़ को आप सीरियसली आप फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ये सिंपल से वर्ड्स हैं, शैल, विल एंड वुड, लेकिन इनके इनके बेस पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली टीयर 2 में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, और ग्रामर को आपको बोरिंग नहीं मानना है। ग्रामर बोरिंग नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं समझना है, सिंपल तरीके से आपको समझना है और इन्जॉय करना है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर माइंडसेट आप रखेंगे तो ग्रामर सेक्शन आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। देखिए, ये एक पुराना रूल है इंग्लिश लैंग्वेज में कि आई और वी, इसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, उसके साथ हम शैल लगाते हैं, और बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ हम विल लगाते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, इसके साथ हम विल लगाते हैं। तो ये तो एक पुराना रूल है जो कि करेंट इंग्लिश में अब उतना नहीं माना जाता, लेकिन स्ट्रिक्ट जो ग्रामेरियन है वो अभी भी इस रूल को मानते हैं कि आई और वी के साथ हमें शैल लगाना है और बाकी के प्रोनाउंस के साथ विल लगाना है। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपको क्या समझना है, देखिए आगे बढ़ने से पहले इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं जो कि करेक्ट है। आई शैल गो टू कॉलेज, आई के साथ यहाँ पर शैल लगा है। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी, ही के साथ विल लगा है, आई के साथ शैल लगा है। तो ये एक पुराना रूल है जो कि करेंट इंग्लिश में आप नहीं माना जाता, लेकिन ये ग्रामर का रूल है। अब इसमें ये जो रूल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये रूल क्या कहता है कि नॉर्मली हम आई एंड वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, किन सारी चीज़ों के बारे में, प्रॉमिस के बारे में यानी वादा, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, थ्रेट यानी धमकी, कमांड यानी ऑर्डर, कंपल्सन यानी अनिवार्यता, और एडवाइस यानी सलाह, इन सब चीज़ों के बारे में यदि आप बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो वहाँ पर आप आई और वी के साथ विल लगाएंगे और बाकी के साथ शैल लगाएंगे, यानी ये जो रूल है ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए, जैसे ये कमांड के बारे में बताया है, यू शैल लीव द रूम एट वंस, आपको एक बार में मतलब जल्दी से रूम छोड़ना है, ये कोई धमकी दे रहा है किसी व्यक्ति को, ये मतलब ऑर्डर दे रहा है किसी को। तो यू के साथ विल लगना चाहिए, लेकिन यहां पर शैल लगाया है। शैल इसलिए लगाया है क्योंकि ये कमांड का क्वेश्चन है, यहां पर कमांड एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को दे रहा है। यहां पर देखिए, यू शैल बी रिवॉर्डेड, ये यहां पर प्रॉमिस कर रहा है एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से, तो इसलिए यू के साथ विल ना लगाते हुए यहां पर शैल लगाया है। यहां पर आई विल हेल्प यू कम वॉट मे, कम वॉट मे मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो यहां पर आई के साथ विल लगाया है, वैसे शैल लगता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी एग्जाम्स में कि यदि प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, कमांड या थ्रेट की बात है, तो उसमें हम उल्टा कर देते हैं इसको, आई और वी के साथ शैल लगता है तो विल लगाते हैं, बाकी के साथ शैल लगाते हैं। देखिए, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर्स मतलब होता है जो एक एरिया होता है जहां पर बिना परमिशन के आप नहीं घुस सकते, वहां पर यदि आप बिना परमिशन के घुस जाते हैं तो आपको बोला जाएगा ट्रेसपासर्स, ठीक है। तो ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर्स को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उन पर केस चलाया जाएगा। तो यहां पर एक व्यक्ति किसी को धमकी दे रहा है, तो इसलिए इसमें शैल का यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये डिटर्मिनेशन का एक सेंटेंस मैंने लिया है, एक सेंटेंस मैंने कंपल्सन का लिया है, तो ये रूल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सजेशन की जैसे बात करते हैं हम, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल को हम यूज़ करते हैं सजेशन देने के लिए। शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति दूसरे से व्यक्ति
से बोल रहा है कि क्या हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, क्या हम मैनेजमेंट से बात करें। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सजेशन दे रहा है। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में तो इसमें शैल ही लगाते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसमें हम शैल के स्थान पर शुड भी लगाते हैं, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। ये ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंसेस सारे सही है। शैल वी लीव, क्या हम जाएं, ठीक है। शैल आई गो विद देम, क्या मैं उसके साथ जाऊं। तो यहां पर सजेशन और परमिशन इस एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें सजेशन भी है और परमिशन भी, कोई व्यक्ति किसी से मांग रहा है, दोनों ही चीजों का इसमें कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। और इसके आगे के देखिए सेंटेंस, इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इन इंपेरेटिव सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ लेट अस लेट, देखिए ये है क्वेश्चन टैग का सेंटेंस। क्वेश्चन टैग जो लेट अस से सेंटेंस शुरू होते हैं, लेट अस डांस टुगेदर, चलो डांस करते हैं, शैल वी, तो ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। और क्वेश्चन टैग को मैं अलग से डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये है सेंटेंस और ये है आपका क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो ऐसे सभी सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, उसमें हम क्वेश्चन टैग के फॉर्म में शैल वी का यूज करते हैं। शैल वी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर तो लेट के बाद अस इसलिए आ रहा है क्योंकि लेट के बाद हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, लेट अस, लेट वी नहीं बोल सकते, लेट अस बोलेंगे। लेकिन यहां पर तो शैल है, शैल एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ तो हम वी ही लगाएंगे, जैसे वी शैल बोलूंगा मैं, वी अस नहीं बोलूंगा। तो इसलिए क्वेश्चन टैग में यहां पर शैल वी इसका आंसर होगा, मतलब क्वेश्चन टैग जो होगा वो शैल वी होगा, यहां पर लेट अस होगा। तो यहां पर इस तरीके से भी शैल का यूज किया जाता है। तो ये बेसिक मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, यानी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और सिंपल रूल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कि दो यदि फ्यूचर एक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं एक सेंटेंस में, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरा भाई आएगा तब मैं वहां जाऊंगा, मेरा भाई आएगा तब मैं वहां जाऊंगा, दोनों में गागा आ रहा है, यानी दोनों ही फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक जो सेंटेंस है उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में और दूसरे सेंटेंस को लिखेंगे हम फ्यूचर टेंस में। तो वो सेंटेंस जो इन वर्ड्स से स्टार्ट होगा, वो सेंटेंस जो इन वर्ड्स या फ्रेजेस से स्टार्ट होगा उसको लिखा जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और जो दूसरा सेंटेंस है उसको आप मीनिंग के अकॉर्डिंग विल या कैन के साथ आप लिख सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, मतलब यदि मैं आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, दोनों फ्यूचर टेंस हैं और दोनों में ही इसमें विल लगा दिया है, यहां भी विल लगा दिया है, यहां भी विल लगा दिया है। तो रूल क्या बोलता है कि इन वर्ड्स से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, किससे, इफ से, एज सून एज से, इन केस से, प्रोवाइडेड से, अनलेस से, अनटिल से, बिफोर से, आफ्टर से, वेन से, उसको हम किस में लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है और नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि इसमें इफ से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसको हम कंडीशनल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इफ आई कम आई विल मीट यू, इफ आई विल कम नहीं होगा, इफ आई कम आई विल मीट यू, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई विल मीट यू इफ आई कम, यानी दोनों जो सेंटेंस के जो पाथ हैं जिनको इंग्लिश में क्लॉजेस बोलते हैं, इनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर इनका सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपको समझना है, कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना है। और इसमें इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेंटेंस यदि प्रोवाइडेड से स्टार्ट है, अनलेस या अनटिल से स्टार्ट है, बिफोर से स्टार्ट है, इन केस से स्टार्ट है, ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस को हम मीनिंग के अकॉर्डिंग विल कैन मे उसमें सब कुछ हम लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके इस तरह के सेंटेंसेस की काफ़ी प्रैक्टिस में करवाऊंगा, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर और देख लेते हैं। यू कैन गेट सिलेक्टेड प्रोवाइडेड यू विल वर्क हार्ड। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि प्रोवाइडेड से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें हम विल नहीं लगाएंगे, तो इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, नीचे वाला सेंटेंस सही है। यू कैन गेट सिलेक्टेड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, प्रोवाइडेड यू विल वर्क हार्ड नहीं, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये आपका ये गलत है सेंटेंस ये।
और नीचे वाला सेंटेंस आपका सही है। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। और इन सभी वीडियो क्लासेस को, इस पूरी सीरीज को आप दो या तीन बार देखते हैं तो ये सारे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। विल एक्चुअली जो होता है, वुड जो होता है, वो विल का पास्ट इक्विवेलेंट भी होता है। मतलब पास्ट टेंस में हम विल के स्थान पर फिर वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ही सेड दैट ही विल कंप्लीट हिज वर्क बाय 6 PM। उसने कहा कि वे 6 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लेगा, लेकिन इसमें सैड हमें बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर विल ना आते हुए इस विल का पास्ट इक्विवेलेंट वुड आएगा इसमें, तो यहाँ पर इसमें हमने वुड लगा दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो फिर उस टेंस को हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे। ही सेड दैट द सन इज ए स्टार, सन वॉज ए स्टार नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है कि एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा फैक्ट हम बोल रहे हैं जो सभी टाइम में, सभी सिचुएशन में सेम रहेगा, ठीक है। यदि मैं बोलता हूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसको मैं या तो प्रेजेंट में बोलूं, या फिर पास्ट में बोलूं, या फ्यूचर में बोलूं, सिचुएशन तो वही रहेगी, फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा, इसलिए इस पर टेंस जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं, इसको आप ध्यान रखें। तो ये नीचे वाला सेंटेंस जो है ये सही है, ये वाला भी सही है, ऊपर वाला गलत है क्योंकि उसमें विल के स्थान पर वुड का प्रयोग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। वी यूज वुड व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएशन और एक्शन। देखिए ये वुड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है कि जब हम किसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तब वहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं, विल का नहीं। देखिए ये सेंटेंस पूरा पढ़िए, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इट वुड बी नाइस टू हैव ए हॉलीडे बट वी कांट अफोर्ड इट। मतलब छुट्टियों पर जाना बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा लगता, लेकिन हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि हम छुट्टियों पर जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। यानी कॉन्टेक्स्ट से आपको पता पड़ रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति सिचुएशन को इमेजिन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ड का प्रयोग सही है। देखिए यहाँ पर देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू बेड येट, आई एम नॉट टायर्ड एंड आई वुडंट स्लीप। मतलब मैं सोने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं थका नहीं हूँ, और यदि मैं सोने भी जाऊँगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। एक व्यक्ति कल्पना कर रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, तो इसलिए सिचुएशन में हमने वुड का प्रयोग किया है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इमेजिनेशन का, ये नॉर्मली आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और कॉन्टेक्स्ट से आपको समझना है। देखिए यहां पर भी मैंने इसको बताया है, इट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट। देखिए इसका मतलब ये है कि वुड का प्रयोग, जैसे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो क्रिकेट खेला करता था, जब मैं स्कूल में था तो बहुत पढ़ा करता था, तो यूज टू का इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, और यूज टू को हम रिप्लेस कर सकते हैं वुड के साथ इस सिचुएशन में। देखिए यहाँ पर देखिए, व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी लिव्ड बाय द सी। जब हम छोटे थे तो समुद्र के किनारे, बाय मतलब उसके बगल में, वहाँ पर हम रहा करते थे। इन समर गर्मियों में, इफ़ द वेदर वॉज फाइन, यदि मौसम अच्छा होता था, वी वुड ऑल गेट अप अर्ली, हम सुबह जल्दी उठ जाते थे, एंड गो फॉर अ स्विम, और हम तैरने जाते थे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये यूज टू के इक्विवेलेंट है, कि ऐसा हम रेगुलरली पास्ट में किया करते थे, तो ये एक रूटीन एक्टिविटी है। यहाँ पर देखिए, वेन एवर आर्थर वॉज एंग्री, जब भी आर्थर एंग्री होता था, गुस्से में होता था, ही वुड वॉक आउट ऑफ द रूम, वो रूम से निकल जाता था। तो ये एक रूटीन एक्टिविटी या पास्ट की एक ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलरली होती थी, उसके बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पर आप यूज टू भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखें, वुड के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसमें वुड के साथ यहाँ पर जैसे वॉक्ड कर दिया जाएगा इसको, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए वुड के साथ ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो सिंपल तरीके से, लाइट तरीके से आपको समझना है। हाँ, विद दिस मीनिंग वुड इज सिमिलर टू यूज टू, ये बात सही है कि इस मीनिंग के सेंस में
वुड जो है ये यूज टू के इक्विवेलेंट है। देखिए सारी चीज़ें मैंने टाइप की हैं यहाँ पर, मैं किसी भी चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखने से एक्चुअली हो सकता है वो चीज़ आपको समझ में ना आए, मेरी राइटिंग आपको समझ में ना आए, या सारी चीज़ें मैं ना लिख पाऊँ, सारे सेंटेंसेस मैं ना लिख पाऊँ, तो इसलिए ये मैं सारे सेंटेंसेस टाइप कर देता हूँ। और ये फॉर्मेट बहुत ही यूज़फुल आपके लिए रहेगा, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। देखिए वुड को हम प्रेफरेंस या चॉइस को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ही वुड रादर, एक्चुअली ये वुड रादर पूरा है, वुड रादर पूरा, वुड और रादर दोनों साथ में यूज़ होते हैं। ये ही वुड रादर डाई देन बैक, मतलब वो भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करेगा। ही वुड रादर, रादर मतलब प्रेफर, वो मरना पसंद करेगा भीख मांगने की अपेक्षा। देखिए देन इसमें इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए रादर के बाद इसमें देन लगा हुआ है। तो ऐसे आपको ग्रामर के किसी भी रूल को आपको रटना नहीं है, ऐसे आपको समझना है। दो चॉइसेस होती है तभी तो हम देन लगाते हैं। और यहाँ पर भी यदि देन के स्थान पर टी एच ए एन के स्थान पर यदि टी एच ई एन कर दूंगा मैं तो गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। तो ऐसे आपको समझना है, आई वुड रादर टेक टी, मैं तो टी लूंगा, मैं तो चाय लूंगा, मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है कि टी और कॉफ़ी का ऑप्शन है उसके पास, लेकिन सेंटेंस में नहीं दिया है, कॉन्टेक्स्ट से आपको समझना है। आई वुड रादर टेक टी मतलब मैं तो टी लूंगा, कॉफ़ी नहीं लूंगा या दूसरी चीज नहीं लूंगा। तो देन तब आएगा जब दो ऑप्शन होंगे आपके पास, डाय और बैग, ये दो ऑप्शन है, यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं है इसलिए देन इसमें नहीं आया है। लेकिन इसमें भी हम प्रेफरेंस दिखा रहे हैं। देखिए आई वुड रादर नॉट सिट नेक्स्ट टू हिम, मैं प्रेफर करूंगी या करूंगा कि मुझे उसके बगल में ना बैठना पड़े, ठीक है। आई वुड रादर सिट, ये निगेटिव सेंटेंस है, आई वुड रादर नॉट सिट, सिट का हो गया नॉट सिट, ये निगेटिव है। नेक्स्ट टू हिम मतलब उसके बगल में, नेक्स्ट का मतलब होता है बगल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और सारे क्वेश्चन देखिए, ये कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं आपके सामने जो कि मैंने रेड कलर में लिखे हैं। और देखिए ही वुड रादर डाई देन बैग, इसमें टू नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखिए आई वुड रादर नॉट सिट नेक्स्ट टू हिम, यहाँ पर नेक्स्ट के बगल में टू जो है ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं आएगा। तो ऐसे सेंटेंस एसएससी में बहुत आते हैं, प्री टीयर वन में टीयर टू में। तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट को कॉन्टेक्स्ट को समझना है, और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट उनको रटना नहीं है। यहाँ पर देखिए प्योर इमेजिनेशन के लिए भी वुड का यूज़ होता है। और देखिए इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब एक व्यक्ति जो है वो चिड़िया नहीं बन सकता, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये पूरे तरीके से इमेजिनरी है। जब पूरे तरीके से ये इमेजिनरी है तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों है, ये तो मेन वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो मेन वर्ब आ रही है ये हमेशा ही वर आएगी सभी सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये इमेजिनरी है। जब इमेजिनरी है तो उसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इमेजिनरी है। यहाँ पर देखिए इफ आई वर यू, यदि मैं आपके स्थान पर होता आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस आई विश आई वर ए वर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो यहाँ पर भी वर लगा है, यहाँ पर भी वर लगा है, यहाँ पर भी वर लगा है, यानी ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं। वुड के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, सही है। वुड के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, सही है, ठीक है। और यहाँ पर वर्ड के बगल में ए लगा है, ये भी सही है। तो ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं। अब इसमें एग्जामिनर आपको गलत सेंटेंसेस कैसे देगा, देखिए ये है गलत सेंटेंसेस। इफ आई वर ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, चूंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है इसलिए वर तो सही है, यहां पर इस वाले पात में वर सही है, लेकिन इस वाले पात में विल के स्थान पर वुड आएगा, ये विल गलत है, ठीक है। अब देखिए इफ आई वर ए वर्ड आई वुड, इसमें वुड लगा है लेकिन वुड के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगी, तो ये गलत हो गया। तो ऐसे एग्जामिनर आपको सेंटेंस देता है, इफ आई वॉज यू, इमेजिनरी है, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, इसमें ये वाला पार्ट गलत कर दिया, इसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये वाला पार्ट तो सही है इसमें, लेकिन ये वाला पार्ट गलत कर दिया। आई विश आई वर ए वर्ड, इसमें वर आएगा, इसमें ये वाला पार्ट गलत कर दिया। तो इस तरीके से छोटी छोटी बारीकियाँ ये करके एग्जामिनर आपको सेंटेंस देता है।
देखिए ये थोड़ा सा वीडियो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो पूरा वीडियो क्लास आप एंड तक देखिए। ये पास्ट टेंस में है। इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प्ड देम। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर लग रहा होगा कि यहां पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, लेकिन यहां पर भी तो हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यहां पर क्यों नहीं है? यहां पर थर्ड फॉर्म वर्ब की इसलिए नहीं है। देखिए इंग्लिश में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्शन और एक होती है सिचुएशन, ठीक है? और एक सेंटेंस में या तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं या दोनों एक्शन हो सकते हैं या एक एक्शन है और एक सिचुएशन हो सकती है। देखिए इसमें इसका मतलब क्या है, जैसे यदि मैं बोलूं कि आई एम ए टीचर तो ये एक सिचुएशन है, ये एक्शन नहीं है, और यदि मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग तो ये एक्शन है, ये सिचुएशन नहीं है। तो चूंकि ये सिचुएशन है, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर रहा होता तो मैंने उसकी मदद की होती, चूंकि ये सिचुएशन है इसलिए हैड बीन पास्ट टेंस है, इसलिए हैड बीन लगाया है। ये पास्ट टेंस है, कोई व्यक्ति पास्ट टेंस में बोल रहा है कि मैं उस समय यदि डॉक्टर रहा होता तो मैंने उसकी मदद की होती, ठीक है? ये सिचुएशन है इसलिए हैड बीन पास्ट टेंस में आएगा। इसमें आई विश आई हैड बीन अ वर्ड, काश मैं उस समय, ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है? यदि आप बोलते हैं आई विश आई वर ए वर्ड, तो मैं इस समय बोल रहा हूं कि काश मैं पक्षी होता, मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं कि मैं इस समय पक्षी होता, लेकिन आई विश आई हैड बीन ए बर्ड इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति पास्ट के लिए बोल रहा है कि आज से 10 साल पहले उस समय मैं पक्षी रहा होता, काश मैं उस समय पक्षी रहा होता, ये इसका मतलब ये है इस वाले सेंटेंस का। प्रेजेंट में तो आप सिंपल बोलेंगे आई विश आई वर ए बर्ड, लेकिन ये पास्ट में है और ये सिचुएशन है, तो इसमें ये सिचुएशन है और ये वाला जो सेंटेंस है ये आई वुड हैव, ये एक्शन है। तो दोनों देखिए इसमें दो दो सिचुएशन हो सकती है, एक्शन एंड सिचुएशन, तो दो सेंटेंस जो हैं इसमें, ये जो दो सेंटेंस दिए हैं दोनों सिचुएशन पे हो सकते हैं आधारित, एक एक्शन एक सिचुएशन हो सकता है, दोनों एक्शन हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझनी है कि इसमें यहाँ पर एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि इस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में दे देगा, इसको एक्टिव वॉइस में दे देगा, या इसको एक्टिव वॉइस में दे देगा, इसको पैसिव वॉइस में दे देगा। तो ये कॉन्सेप्ट में मैं आपको आगे वाले वीडियो क्लासेस में बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ग्रामर आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी मैंने आपको जो एक्शन और सिचुएशन का जो कॉन्सेप्ट समझाया है, आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। देखिए इसमें भी काफ़ी ये जो एज इफ का जो कॉन्सेप्ट है, एज इफ एज दो, तो इसको भी कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ा जाते हैं इसमें। देखिए इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, ठीक है? और यदि सिचुएशन रियल है तो आप रियल टेंस यूज करेंगे, यदि सिचुएशन काल्पनिक है तो आप फिर वहां पर पास्ट टेंस को यूज करेंगे। देखिए इसका क्या मतलब है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। देखिए यदि मैं अपने फ्रेंड से बोलूं, मेरा एक फ्रेंड है, और उससे मैं बोलूं कि ही बिहेव्स एज इफ ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का। अब आप बताइए क्या रियल सिचुएशन में वो प्राइम मिनिस्टर है? नहीं है, काल्पनिक है ये सेंटेंस, तो इसलिए सही सेंटेंस होगा ही बिहेव्स माय फ्रेंड बिहेव्स एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बस पूरा कॉन्सेप्ट ये है, यदि सिचुएशन काल्पनिक है तो आप वर बोलेंगे या पास्ट टेंस में लिखेंगे उसको, और सिचुएशन यदि रियल है तो आप उसको रियल टेंस में लिखेंगे। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहां पर, देखिए ही लुक्स एज इफ ही न्यू द आंसर, ये काल्पनिक है, मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि उसे आंसर पता है, जबकि रियलिटी ये है कि उसको आंसर नहीं पता, ठीक है? तो इस सेंटेंस का ये मतलब है। यदि आप बोलते हैं ही लुक्स एज इफ ही नोज द आंसर, तो ये रियल टेंस है, इसका मतलब है कि उसको वास्तव में आंसर पता है, तो ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन इसका मतलब कुछ अलग है, इसका मतलब कुछ अलग है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो बता तो ऐसे रहा है कि उसको आंसर पता है, लेकिन वास्तव में उसको आंसर नहीं पता है। यहां पर वो ऐसे बता रहा है कि उसको आंसर पता है, लेकिन वास्तव में उसको आंसर पता है। तो जब सिचुएशन अनरियल हो तो यहां पर आप पास्ट टेंस लगाएंगे,
प्रेजेंट में भी पास्ट टेंस लगाएंगे, और सिचुएशन रियल हो तो फिर तो आप रियल टेंस लगाएंगे, ठीक है, बस ये आपको समझना है। और यदि पास्ट में होगा यही, देखिए यहां पर देखिए, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, ही सीम्स एज इफ ही हैडंट स्लेप्ट, यहां पर ये प्रेजेंट टेंस है लेकिन ये पास्ट टेंस यहां पर लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि ही सीम्स, उसको देख के ऐसा लगता है कि वो काफी दिनों से सोया नहीं है, लेकिन वो वास्तव में सोया है, यानी ये सेंटेंस जो है ये काल्पनिक है, ठीक है। यदि आप ऐसे बोले ही सीम्स एज इफ ही हैजंट स्लेप्ट फॉर डेज, तो इसका मतलब ये है कि वो वास्तव में नहीं सोया है, यानी ये सेंटेंस रियल है, ये सेंटेंस काल्पनिक है। काल्पनिक में हम पास्ट सब्जंक्टिव, पास्ट टेंस का हम यूज करेंगे। यहां पर यदि सिचुएशन है तो हम वर लगाएंगे, और यदि एक्शन है तो हम हैड लगाएंगे, मतलब इसका पास्ट हम यहां पर लगाएंगे, ठीक है। और यदि पास्ट टेंस है तो फिर तो यहां पर भी पास्ट आएगा, यहां पर भी पास्ट आएगा, फिर तो आपको कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा कि ये सेंटेंस जो है ये रियल है या सिचुएशनल है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसमें आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करिए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने वो प्राइम मिनिस्टर का जो एग्जाम्पल दिया था उससे आपको अच्छे तरीके से इसको समझ में समझ सकते हैं। अब देखिए, विल एंड वुड का यहाँ पर मैंने कंपैरिजन दिया है ताकि आपको विल एंड वुड का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आई विल स्टे अ बिट लॉन्गर, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, मैं यहाँ पर कुछ और देर रहूँगा, थोड़ा टाइम और मैं यहाँ पर बिताऊँगा, क्योंकि मेरे पास सफिशेंट टाइम है, यानी ये सेंटेंस है ये रियल है, और इसीलिए यहाँ पर विल का यूज़ हुआ है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आई वुड स्टे अ बिट लॉन्गर बट आई रियली हैव टू गो नाउ, मैं थोड़ी देर और रुकता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाना है, यानी ये सेंटेंस काल्पनिक है, तो इसलिए यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है। तो ये इन दोनों में अंतर है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैंने फिर से आपको बताया है एक्शन एंड सिचुएशन क्या होती है। ये देखिए, वी ऑल आर एंजॉयिंग हेयर, हम सभी लोग यहां पर मजे कर रहे हैं। आई विश शी वुड ऑल्सो कम एंड ज्वाइन, काश वो भी यहां पर आती और हमें ज्वाइन करती, ये एक्शन है। चूंकि ये एक्शन है इसलिए यहां पर वुड का यूज हुआ है, और वुड के साथ यहां फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब देखिए, यहां पर देखिए, वी ऑल आर enjoying हेयर, आई विश शी वर हेयर, वो यहां पर होती, वो यहां पर आ जाती नहीं, वो यहां पर होती, ये सिचुएशन है, तो इसलिए यहां पर वर लगा है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्शन के लिए हम वुड लगाएंगे, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सिचुएशन है नीचे वाला सेंटेंस जो है, ठीक है। अब देखिए, आई विश somebody would, अरे यहां पर बाय होना चाहिए, वुड बाय मी अ कार, यहां पर आप बाय लगा लीजिए, कोई बात नहीं, बाय, ठीक है। आई विश somebody would buy me a car, काश कोई मुझे कार खरीद के देता या मेरे लिए कार खरीदता, ये एक्शन है, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। और ये देखिए, आई विश आई हैड ए कार, ये सिचुएशन है, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिकल है काफी हद तक, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये लॉजिकल है पूरी तरीके से। देखिए, यहां पर मैंने कुछ रॉन्ग सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है। We all are enjoying here. I wish she would be here now. She were here now होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, would नहीं आएगा इसमें। ऊपर वाले सेंटेंस हैं, I wish I would have a car, नहीं, I wish I had a car, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है। I hope कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप दो बार देखिए इस वीडियो क्लास को, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। कंप्लेनिंग एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए भी हम वुड को यूज करते हैं। कंप्लेनिंग मतलब कोई शिकायत करता है, जब ठीक है। तो यहां पर मैंने एक सिचुएशन भी दी है, जैसे इट इज रेनिंग हैवीली एंड यू वॉन्ट टू गो आउट बट नॉट इन द रेन, यू कैन से, मतलब बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज बारिश हो रही है और आप बारिश में बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये बारिश बंद हो जाए, बारिश में आप नहीं जाना चाहते, बाहर तो जाना चाह रहे हैं आप लेकिन बारिश में नहीं जाना चाहते, तो आप क्या बोलेंगे? I wish it would stop raining, काश ये बारिश बंद हो जाए, तो ये एक्शन है। I wish मतलब काश, it would, it हम बारिश के लिए लगा रहे हैं,
इट वुड और वुड के साथ यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है, इट वुड स्टॉप रेनिंग, स्टॉप के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। अब देखिए, व्हेन वी वांट समथिंग टू हैपन और व्हेन वी वांट समबडी टू डू समथिंग, द स्पीकर इज नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट सिचुएशन। जब स्पीकर कंप्लेन करता है, वो हैप्पी नहीं है सिचुएशन के बारे में, तो वो बोलता है आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, या इस तरह का कोई भी सिमिलर सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिजायर में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर में देखिए, यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि सपोज आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं और आपको आपके फ्रेंड की याद आ रही है, आप अपने फ्रेंड को कॉल करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास उसका नंबर नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई विश आई न्यू हिज नंबर, काश मेरे पास उसका नंबर होता, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, यहां पर कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी चूंकि ये सेंटेंस रियल नहीं है, मतलब आई विश आई न्यू हिज नंबर, मतलब काश मुझे उसका नंबर पता होता, लेकिन उसका नंबर आपको पता नहीं है, मतलब ये अनरियल सिचुएशन हो गई एक तरह से देखा जाए तो इसलिए यहां पर आप न्यू बोलेंगे। और पास्ट में क्या बोलेंगे? आई विश आई हैड नोन हिज नंबर। इसका मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आई विश आई न्यू हिज नंबर का मतलब है कि प्रेजेंट में इस समय आप बोल रहे हैं कि इस समय मुझे उसका नंबर पता होता, काश मुझे इस समय उसका नंबर पता होता। और आई हैड नोन हिज नंबर, काश मुझे 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले उसका नंबर उस समय पता होता। आई हैड नोन पास्ट है, आई न्यू पास्ट है, दोनों ही सेंटेंस इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये वुड के काफी कॉन्सेप्ट्स मैंने इसमें बताए हैं, और वुड लाइक टू को हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, वुड को भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैं आपको करवाऊंगा, और इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू आपका रिवीजन भी होगा सारे कॉन्सेप्ट्स का, और आपको एग्जाम्पल सेंटेंस भी समझ में आएंगे। आई वुड रादर डाई देन बैग। देखिए सेंटेंस में क्या गलती है, इस सेंटेंस में टी एच ए एन देन यहां पर आएगा, ठीक है, सी पार्ट गलत है इसका। अब देखिए, अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। एक सोल्जर जो होता है उसको अपनी कंट्री के लिए क्या करना चाहिए? फाइट करना चाहिए और अपने कंट्री का जो ऑनर है उसको बचाना चाहिए। तो क्या कुड का कोई सेंस बन रहा है? कुड का मतलब तो ये होता है कि मैं ऐसा कर सका, मैं ऐसा नहीं कर सका, तो कुड का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहां पर। यहां पर आप लगा सकते हैं अ सोल्जर मस्ट फाइट, एक सोल्जर को अपने देश के लिए लड़ना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आपको केवल कॉन्टेक्स्ट को समझना है, और प्रैक्टिस से ये सारे सेंटेंस सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ए यहां पर गलत है, यहां पर देखिए शी होप्ड दैट शी विल, यहां पर ये पास्ट टेंस है होप्ड, तो इसलिए विल नहीं आएगा इसमें, वुड आएगा, ये गलत हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए यू नीड टू वर्क हार्ड, ये सही है यहां तक, क्योंकि यहां पर इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड, बट यू नीड नॉट, नीड नॉट होता है एक मॉडल वर्ब। नीड नॉट और डेयर नॉट क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं, इसके बाद हम टू नहीं लगाएंगे। यदि मैं इसको रिप्लेस कर दूं कैन से, जो कि एक मॉडल वर्ब होता है, तो क्या इसके कैन के बाद आप टू लगाएंगे? बट यू कैन वेस्ट, यू कैन वेस्ट आप बोलेंगे, यू कैन टू वेस्ट थोड़ी बोलेंगे। यहां पर देखिए लॉजिक में आपको बता रहा हूं, क्योंकि नीड नॉट मॉडल के इक्विवेलेंट होता है, और मॉडल का एग्जाम्पल क्या है? कैन। अब यहां पर आप यदि आप कैन रखेंगे तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा, यानी टू इसमें नहीं आएगा। नीड नॉट और डेयर नॉट मॉडल होते हैं, नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं कई बार मैं इसको बता चुका हूं आपको। यहां पर देखिए शी वुड ब्रोक, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ब्रोक नहीं आएगा, गलत है सेंटेंस। तो यहां से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और काफी सारे सेंटेंसेस भी मैं आपको बता रहा हूं। शी मे लिव लॉन्ग ही सैड, हिज सैड मदर प्रेड, तो ये तो सही है, लेकिन यहां पर इसको बोला जाएगा मे शी लिव लॉन्ग। सही जो स्ट्रक्चर है, जो विश वाले सेंटेंस होते हैं वो मे से स्टार्ट होते हैं, तो मे शी लिव लॉन्ग, भगवान करे कि वो लंबी उम्र जीवित रहे, उसकी मदर बोल रही है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। यहां पर देखिए हरीश नीड्स नॉट, नीड नॉट क्या होता है? नीड नॉट एक मॉडल वर्ब होता है, जैसे कैन होता है। क्या हम कैन में एस लगाते हैं? नहीं लगाते, तो इसलिए नीड्स नॉट ये गलत है, ठीक है। हरीश नीड नॉट
क्या हम कैन के बाद टू लगा सकते हैं? नीड नॉट क्या है? मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हम टू लगाते हैं। आई कैन कम बोलूंगा मैं या आई कैन टू कम बोलूंगा? आई कैन कम बोलूंगा तो ये टू नहीं आएगा। हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। नीड नॉट यहां पर मॉडल है, ठीक है, इसलिए हरीश के बाद हम एस नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये नीड नॉट मॉडल है, कैन में हम एस नहीं लगाते, तो ये सेंटेंस सही है। हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क, ये सेंटेंस नो एरर है। व्हेन आई वॉज यंग, आई वॉज का मतलब क्या है? पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में कैन का पास्ट क्या होता है? कोड होता है, कोड लगेगा यहां पर, ये बी पार्ट गलत है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन, यहां पर कोड तो लगा दिया है, लेकिन ये देन देखिए, ये देन टी एच ए एन देन होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। शी मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड, ये तो मैंने बता ही दिया है प्रीवियस, थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैंने दे दिया है, तो मे शी लिव लॉन्ग होगा। यहां पर देखिए, इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक, यू पास्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं इसलिए विल नहीं आएगा यहां पर, यहां पर आएगा वुड। ये सेंटेंस कुछ हटके लिए हैं मैंने जानबूझ के लिए हैं, ताकि कुछ अलग तरह के सेंटेंस भी आप प्रैक्टिस कर पाएं। ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउंड, देखिए डूबना, दो तरह की चीजें समुद्र में या नदी में डूब सकती हैं, एक व्यक्ति डूब सकता है, एक वस्तु डूब सकती है। जब व्यक्ति डूबेगा तो उसके लिए हम ड्राउन लगाएंगे, जब वस्तु डूबेगी जैसे कोई जहाज तो उसके लिए हम सिंक लगाएंगे। यहां पर शिप की बात हो रही है, शिप के लिए हम ड्राउंड नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे सैंक, सिंक का सेकंड फॉर्म। ठीक है, द कैपिटल ऑफ यमन इज, इसके साथ सिचुएटिंग नहीं आएगा, मतलब जो यमन की राजधानी है वो सिचुएटेड है, वो कहां पर सिचुएटेड है? वो 21,920 मीटर सी लेवल से ऊपर सिचुएटेड है। सिचुएटिंग का मतलब तो ये होगा कि कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, कि वो सिचुएट स्थापित हो रही है, जो कि गलत होगा, सिचुएटेड है, तो यहां पर हो जाएगा सिचुएटेड। आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वॉज यू, यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है कौन सी लगती है? यू वॉज आप बोलेंगे या यू वर बोलेंगे? यू वर बोलेंगे, इसलिए यू के साथ यहां पर आएगा वर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इससे आगे का पार्ट मैं आगे के वीडियो क्लासेस में अपलोड करूंगा। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी डाउट या क्वेरी है, तो इन नंबर्स पर आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।